आजाद भारत की जन्म कुंडली काल सर्प योग वाली थी, इसीलिए अनेक प्रकार का चढ़ाव उतार आया। और काल सर्प योग वाली भारत की कुंडली और प्रथम वड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू की भी काल सर्प योग वाली कुंडली थी। काल सर्प योग बारे में ज्योतिषाचार्य मुकेश प्रजापति की बड़ी आगाही। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कुकस वाले का सादर प्रणाम। आज हमारे कई क्लाइंटों ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि गुरुजी ज्योतिष शास्त्र के अंदर तो कितने सारे योग पड़े हुए हैं और किसी भी योग का किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने सही इस्तेमाल नहीं किया, सही जानकारी नहीं दी और आपके पास सारा का सारा नॉलेज है। चलो कोई बात नहीं, आप क्या पूछना चाहते हो, किसके बारे में पूछना चाहते हो? तो दर्शकों ने बताया भाई हमें भारत देश जब आजाद हुआ था उस समय की कुंडली के बारे में प्रोग्राम कीजिए। चलो कोई बात नहीं, आपके हमने आज तक जितनी भी चॉइसें देखी है सारी की सारी चॉइसें हमारी सक्सेस गई हुई है। भारत देश की आज़ादी की कुंडली काल सर्प दोष वाली है। भारत देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी काल सर्प योग वाले ही थे। उनकी एक ही लड़की थी जिनका नाम इंदिरा गांधी और उनका जन्म 19 नवंबर 1917 के दिन हुआ था। उनका सही नाम प्रियदर्शिनी था मगर पंडित जवाहरलाल ने बदल दिया, पंडित जवाहरलाल ने गांधी शब्द लिखने के बाद इंदिरा गांधी कर दिया। वैसे तो वो हिंदू थे ही नहीं। देखो जिस दिन इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर संभाली उसका समय भी आज हम दिखा रहे, वो 15 बरस 350 दिन का था। देश के प्रथम माहिती प्रसारण मंत्री और संरक्षण मंत्री की जवाबदारी की थी मगर समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय के आगे सभी लोग लाचार है। भारत देश के अंदर जब ये काल सर्प योग की कुंडली बनी उस दिन पूरे देश के अंदर देखने जाओ तो देश का विभाजन हुआ था। भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे थे। उसी दिन 84 लाख लोगों की हत्या की गई थी और 84 लाख लोग मर भी गए थे। अब वही परिणाम वही नतीजा इंदिरा गांधी का हुआ। अंगरक्षकों ने 31 नवंबर 1984 के दिन उनकी हत्या की थी। एक बात सही है, सारी की सारी समस्या मानव सर्जित सरकारें ही सर्जित है। देश की बागडोर देखने जावे और देश का सही हाल देखने जावे, देश की जनता का सही हाल देखने जावे तो संक्रमण से तड़पता देश न सांस है न आस है। गरीबी बेकारी महंगाई ने देश की जनता की कमर ही तोड़ डाली है। सबसे पहले बॉलीवुड की दुनिया का हिसाब देखो, कई लोग बेमौत मरे हैं, कई अभिनेत्रियां ने यानी कि हीरोइनों ने शादी शुदाई नहीं की है और प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के साथ इनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो वो लोग समझ गए हैं, जाए तो जाए कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। सबको मालूम है सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है, कोई भी इंसान अपने पास लेके नहीं गए हैं। फिर भी ये बॉलीवुड की दुनिया के नखरे बहुत सारे हैं। ये बॉलीवुड की दुनिया के अंदर एक ही बात चल रही है, दुनिया में रूप और रुपयों ही काम करता है। लोग रूप और रुपयों के पीछे दीवाना है। ये सब भारत देश की काल सर्प योग की सही जानकारी है।
जिस दिन भारत में खालसा युग में उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 के दिन इस देश की स्थापना हुई, तब फिल्म अभिनेत्री राखी का जन्म हुआ था बंगाल में, और उनकी 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी अनिल अजय विश्वास के साथ, और 2 साल के अंदर ही उसका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी शादी हुई लेखक डायरेक्टर गुलजार के साथ, गुलजार ने भी उनकी लाइफ खत्म कर डाली। आज वो मासूम इंसान होते हुए भी गुमनाम जिंदगी गुजार रही है। वैसे देखने जाओ तो हीरोइनों के अंदर, पुरानी हीरोइनों के अंदर सबसे ज्यादा नाम दाम राखी ने ही कमाया है। इनके बहुत सारे फिल्म सक्सेस गए हैं और बहुत सारे कलाकारों के साथ काम भी किया है, मगर जो इंसान का जन्म कालसर्प योग के अंदर होता है उसको कर्म की सजा, गए जन्मों की भी कर्म की सजा इस जन्म में भुगतनी पड़ती है। ये शास्त्रार्थ भावार्थ है। मनुष्य जिस तरह प्रगति करता गया वो प्रकृति से दूर चलता गया, मगर आखिरी सांस डोर जीवन की डोर कुदरत के आगे है। कुदरत के आगे लोग परामर्श है, मगर फिर भी अपना उल्लू सीधा करने में लोग सारी दुनिया में आए हैं। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग ही परम चरम सीमा पर चल रहा है, तो हम इस देश की जनता को यही कहना चाहते हैं कि कालसर्प योग की जो कुंडली बनी थी उसके अंदर देखो तो देखने जावे तो इस देश ने भी कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। देश की जनता का हालत इतना खराब हुआ है, लोग बेमौत मर रहे हैं, गरीबी बेकारी महंगाई और बलात्कार की घटना है बहुत सारी हो गई है। लोग करना क्या चाहते हैं, एक कुंडली के बारे में आज हमने जानकारी दे दी तो हमने कालसर्प योग की वजह से कई लोग बेमौत मर रहे, कई लोग बहुत काम कमाए नाम कमाए बहुत दाम कमाए मगर साथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है, मगर समझने वाले ही समझते हैं, नहीं समझने वाले अनाड़ी है। तो आज हमने भारत देश की आजादी की कुंडली के अंदर जो कालसर्प योग बना था उसके बारे में प्रिडिक्शन कर लिया। ऐसा प्रिडिक्शन दुनिया का किसी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं करेगा, लिख लेना। कालसर्प योग का अच्छा नतीजा है तो है, नहीं है तो नहीं है।